दुनिया की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने महज 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर सभी को चौंका दिया है। ऑस्ट्रेलिया की स्टार खिलाड़ी ने बुधवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और टेनिस को भारी मन से अलविदा कह दिया। उनके इस वीडियो पर भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी कॉमेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। ये फैसला चौंकाने वाला इसीलिए है क्योंकि एशले बार्टी इस वक्त अपने करियर के उफान पर थी। उन्होंने इसी साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। उन्होंने पिछले 3 साल में अपने करियर के 3 ऐतिहासिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सबसे पहले 2019 में उन्होंने फ्रेंच ओपन, फिर 2021 में विंबलडन और इसी साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था। बार्टी ने 23 मार्च की सुबह अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर अपने संन्यास की जानकारी दी। इस वीडियो में वो अपनी दोस्त केसी के साथ बातचीत कर रही हैं। इस वीडियो में उनके इस फैसले की जानकारी देते हुए आंसू भी नहीं रुक पाए। भारतीय स्टार सानिया मिर्जा ने भी एशले के पोस्ट पर कमेंट करके लिखा है, कंग्रेचुलेशंस, आप औरों के लिए एक प्रेरणा है, गुड लक मेट। एशले बार्टी ने अपने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा कि टेनिस से संन्यास की घोषणा करते हुए आज का दिन मेरे लिए कठिन और भावुकता से भरा है। मुझे नहीं पता था कि इस खबर को आपके साथ कैसे शेयर करूं, इसीलिए मैंने अपनी दोस्त केसी डिलाकवाक से मदद मांगी है। इस खेल ने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और गर्व महसूस कर रही हूं। इस सफर में मेरा समर्थन करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। एशले बार्टी ने 2014 में महज 16 साल की उम्र में ही सीनियर टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। 2014 यूएस ओपन में वो हार गईं। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट की ओर जाने का मन बना लिया। 2016 में उन्होंने दोबारा टेनिस में वापसी की और 2017 में उन्होंने मलेशियाई ओपन के रूप में अपना पहला WTA टाइटल जीता। आज वो दिन है जब उनके नाम 3 ग्रैंड स्लैम के अलावा WTA के 15 सिंगल्स और 12 डबल्स टाइटल हैं। एशले मौजूदा वक्त में दुनिया की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ऐसे मौके पर टेनिस छोड़ने का उनका फैसला थोड़ा हैरानी भरा है। एशले लगातार 114 हफ्ते तक शीर्ष खिलाड़ी बनी रही। वो लगातार सर्वाधिक दिन तक नंबर एक स्थान पर रहने वाली दुनिया की चौथी खिलाड़ी हैं। फिलहाल हम भी उनको उनके जीवन के लिए ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बाकी के अपडेट्स के लिए माय स्पोर्ट्स टाइम के साथ बने रहिए।